सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। अगर आप अपना हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो हाइट बढ़ाने के लिए आपको करना है रेगुलरली एक्सरसाइज। तो आपको ये डाउट हमेशा सताता होगा कि मुझे डेली कितना एक्सरसाइजेस करना है एंड किस टाइप का एक्सरसाइजेस करना है ताकि मेरा हाइट ग्रोथ हो। एक्सरसाइज सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वरना आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप डेली चाहे एक घंटा एक्सरसाइज करें, लेकिन प्रॉपर एक्सरसाइज सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट रिजल्ट्स। एंड आप एक्सरसाइज इसीलिए करते हैं ताकि आपका हाइट बढ़े, आपको रिजल्ट्स दिखे। एंड हाँ, हाइट इंक्रीज इज अ मैराथन, मतलब आपको बहुत टाइम देना पड़ता है एंड रेगुलरली करना पड़ता है। एंड जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आप अच्छा डाइट ले रहे हैं, उसे एज अ लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना है, तब जाके आपको रिजल्ट्स दिखता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक महीने में दो महीने में मैं अपना हाइट को बढ़ा लूंगा, दैट्स टोटली इम्पॉसिबल, बिकॉज उतना कम दिनों में आपको विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखेगा एंड आपको वैसे ही फील होगा कि आपका हाइट नहीं बढ़ा है। तो आपको कैसा एक्सरसाइज करना चाहिए एंड कितना एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है। आपका जो वर्कआउट रूटीन होगा उसमें आपका सबसे पहले प्रॉपर बॉडी वार्म अप होगा। उसमें आप हल्का फुल्का एक ही जगह जॉगिंग करें, अच्छे से बॉडी का वार्म अप करें। फिर आपको 5 से 10 मिनट का स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग आपका फुल बॉडी होना चाहिए, उससे आपका ज्वाइंट्स, आपके मसल्स का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा एंड आपका बॉडी का अच्छे तरीके से वार्म अप भी हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आपका बोन्स डीकंप्रेस होगा, जो आपको हेल्प करेगा हाइट बढ़ाने के लिए। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका मेन वर्कआउट। मेन वर्कआउट में आपको क्या करना है, वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग आप घर पे करो या आप जिम जा सकते हैं। सो पर डे आपको 1 से 2 मसल ग्रुप टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंडे में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मंडे आप चेस्ट करिए, चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स करिए। तो चेस्ट का आप 3 से 4 एक्सरसाइजेस करिए और 3 सेट करके, मतलब अगर आप 4 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टोटल चेस्ट का होगा 12 सेट। साथ में अगर आप चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स कर रहे हैं तो ट्राइसेप्स का भी 3 से 4 एक्सरसाइज, टोटल 12 सेट। बस आपका मंडे एक्सरसाइज हो गया। तो हर एक मसल ग्रुप के लिए 3 से 5 एक्सरसाइजेस करना है। एंड अगर आप उससे ज्यादा करेंगे देन दैट विल बी टोटली जंक एक्सरसाइजेस, बिकॉज वो फिर आपको फायदा नहीं करेगा, ओवर ट्रेनिंग हो जाएगा। तो पर मसल ग्रुप के लिए 5 एक्सरसाइजेस बेस्ट है एंड आप 3 सेट करके करिए, मतलब आपका 12 से 15 सेट होगा, जो उस मसल ग्रुप के लिए एनफ है। तो पर डे अगर आप 2 मसल ग्रुप कर रहे हैं तो हर वीक में आपका हर एक मसल ग्रुप 2-2 बार ट्रेन हो जाएगा। तो आप घर में भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या जिम जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका वेट ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, आप फिर से स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज ऐड करो एंड उसके साथ साथ आप 5 मिनट प्राणायाम भी करो, तो ओवरऑल आपका फिटनेस बहुत अच्छा होगा। फिर क्या करना है, वीक में आप 2 से 3 दिन आप रनिंग वगैरह करें, ठीक है। थोड़ा कार्डियो जरूरी है, आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आप रनिंग स्किपिंग जो करना है करो, या आप डेली क्रिकेट फुटबॉल ये सब खेल सकते हो। उससे क्या होगा, आपको हाइट बढ़ाने में बहुत जबरदस्त फायदा होगा। तो इस तरीके से आपको हाइट बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना है। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं, मैं आपको ट्रेनिंग दूं हाइट बढ़ाने के लिए, फिर आप मेरा मेल आईडी पे जरूर कॉन्टैक्ट करें, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। एंड चार्जेस बहुत ही लो है, इट्स पेड ट्रेनिंग एंड आपको हाइट बढ़ाने बहुत ज्यादा आसानी होगी, बिकॉज आपको मिलेगा बेस्ट डाइट प्लान, बेस्ट वर्कआउट प्लान। फिर आपका बॉडी प्रोग्रेस देख के आपका वर्कआउट प्लान चेंज होगा एंड आपका डाइट प्लान भी चेंज होगा अगर जरूरत पड़े, ठीक है। तो आप मेरा मेल आईडी पे जरूर कॉन्टेक्ट करना एंड कहना ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूं नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल प्लीज बाय, टेक केयर, लव यू।